सुन ले सदा। हेलो। वालेकुम सलाम। हाँ साइमा, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं क्यों माइंड करूंगी, ये तो किस्मत की बात है। चलो ठीक है। क्या हुआ नाइला? वो कह रही थी कि हमारी आयशा तो उन्हें बहुत पसंद आ गई थी, मगर उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। तो अम्मी आप क्यों उदास हो रही? अल्लाह के तो हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है ना। 10 दिन पहले ये रिश्ता आया था साइमा के पास। अगर ये उस वक्त मुझे बता देती ना, मैं उसके घर जाती ना, मुझे इस रिश्ते का पता चलता। जी अम्मी जी भी ना ऐसे ही मायूस हो जाती हैं। आपको पता, आज मैं कुरान की तिलावत कर रही थी, एक बहुत खूबसूरत आयत मेरी नजरों से गुजरी। और पता है उस आयत का क्या मफहूम है? कि अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस ना हो, बेशक काफिर लोग अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होते हैं। तो मेरी मम्मी जी क्यों ना उम्मीद हो रही हैं? देख लिया नायला, तुम्हारी बेटी तुमसे ज्यादा समझदार है। और हाँ मम्मी, वो यास्मीन आंटी की कॉल आई थी, कह रही थी कि केक में आके मेरे लिए थोड़ी सी हेल्प कर दो। जाऊं? मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ बेटा जाओ। जी अबू जी। जी बेटा आप जाओ। यार अनुषे, ये तुमने किस तरह की ड्रेसिंग की हुई आज? वैसे अनुषे, तुम पहले वाले ड्रेस में बहुत जबरदस्त लग रही थी। सिद्रा, अगर तुम उस वक्त वहां होती ना, तो अनुषे का चेहरा देखती। बेचारी अनुषे। यार शट अप प्लीज, बस कर दो तुम लोग अब। हम पर क्यों गुस्सा हो रही हो? हम तो बस कर देंगे, मगर तुम्हें तो अब सारी जिंदगी यही सब कुछ बर्दाश्त करना है, फिर क्या करोगी? बिल्कुल सही कह रही है अनुषे शफक, तुम्हें हस्बैंड से बात करनी चाहिए। यार जब तुम्हारी मामा को कोई एतराज नहीं है तुम्हारी ऐसी ड्रेसिंग पे, तो तुम्हारी ताई की क्या हिम्मत कि वो तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज करवाएं? अभी तो वो तुम्हारी सास नहीं बनी तो उनका ये हाल है, जब सास बन जाएंगी तो अनुषे को बुर्का पहना के भेजेंगी। इमेजिन करो बस। बहुत मजा आ रहा है ना तुम लोगों को, बहुत मजा आ रहा है ना। तुम्हें पता है मैंने अनुषे को कितने लाड और प्यार से पाला है, मैंने तो उस पर कभी आवाज भी नहीं उठाई। आज भाभी ने जो किया, रहने दे मामा, अस्मत से बात करने का कोई फायदा नहीं है। अनुषे, अनुषे, अनुषे प्लीज मेरी बात सुनो। मैं क्या बात सुनू तुम्हारी, तुम्हें मेरी जरा भी परवाह है? मामा से मेरे बारे में कोई बात नहीं करोगे, मुझे पता है। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं उनसे बात करूंगा। तुम्हें पता है, पार्टी में सब लोग मेरे बारे में डिस्कस कर रहे थे, मेरे ड्रेस में हंस रहे थे।
क्या हुआ है अनुषा को? क्यों रो रही थी अनुषा? अम्मा ये मुझसे पूछ रही हैं आप। अगर आपको अनुषा की किसी भी बात से एतराज है, उसकी ड्रेसिंग को लेकर या एक्स वाई जी किसी भी बात को लेकर, मां आप उसे अकेले में डांट सकती हैं। सब दोस्तों के सामने उसके इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी, उनका ही ख्याल कर लेती। तो उसने मेरी तुम्हें शिकायत लगा दी? नहीं मां, उसने कोई शिकायत नहीं लगाई। ये तो मैं जान ही चुकी हूं, अस्वद अगर मैंने उसे कुछ भी कहा है तो गलत नहीं कहा, वो मेरी होने वाली बहू है, उस पर मेरा पूरा हक है, मैं उसे रोक भी सकती हूं और टोक भी सकती हूं, उसे अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। सानिया ने तो अनुषा को कुछ सिखाया ही नहीं है, जबकि एक मुसलमान मां होने की हैसियत से उसे उसकी तरबियत वैसी ही करनी चाहिए थी जैसे कि हमारे दीन ने कहा है। आप गलत समझ रही हैं मेरी बातों को। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत किया है, ना ही मैं आपको मना कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर अनुषा ने कुछ गलत किया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहां क्या कर रही हो? छुपकर हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, मुझे आंटी ने बुलाया था। तो वैसे तो बहुत नेक बीबी का लिबादा ओढ़ा हुआ है तुमने, मैनर्स नहीं है तुम्हारे अंदर। इस तरह छुपकर बातें सुनना किसी की गुनाह होता है। You should be ashamed of yourself. अस्वद, आयशा मेरी बात सुनो। आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं सर, मुझे जाना होगा, अम्मी की कॉल आई है ना, तो इंतजार कर रही है वो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कल भी तुम ऑफिस से जल्दी चली गई थी। आओ। अस्वत से डर रही है? उसकी जरूरत नहीं है कि वो तुमसे कोई बात कर सके। मैं उसका भी बाप। चलो आ जाओ, आओ आ बेटा आ जाओ। यास्मीन बैठ जाओ। बुलाया है मैंने उसे, अभी बात करता हूं। जी बाबा, बुलाया आपने मुझे? ये क्या तरीका है? तुम्हें आयशा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ऑफिस में भी उसकी छोटी सी गलती पे तुमने डांट दिया, जबकि उसने तुमसे कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद तुमने डांटा। अस्वद बेटा, किसी का दिल दुखाना भी गुनाह होता है, डरो अल्लाह से। तुमने उस बेचारी बच्ची को ना हक डांटा है। मामा आप नहीं जानती, वो बेचारी ना बहुत चालाक है,
कितनी चलाकी से ऑफिस में बाबा को और घर में आपको मेरे अगेंस्ट कर दिया। अरे वो समझती क्या है खुद को, जब दिल करता है घर पे आ जाती है, वो है कौन? तुम कौन हो? किस बात का गरूर है तुम्हें? डरो अल्लाह से, अल्लाह को गरूर सख्त ना पसंद है। जब दिल चाहता है उस बच्चे की इंसल्ट कर देते हो। वो इस घर में मेरी वजह से आती है, मैं बुलाती हूँ उसको। जाओ जाके उससे माफी मांगो। क्या? और क्या कहा आपने? मैंने कहा है जाके आयशा से माफी मांगो। तुमने गलती नहीं गुनाह किया है बेटे। No way. मैं उससे कभी जाकर माफी नहीं मांगूंगा। अस्वद, तुम्हारी माँ ठीक कह रही, जाओ और आयशा से माफी मांगो। भाई ये क्या हो गया आप लोगों को? सॉरी मैं उससे करूं, आयशा से कभी भी नहीं। अस्वद, तुम्हारे लहजे में इस वक्त मुझे तकब्बुर नजर आ रहा है और तकब्बुर अल्लाह को सख्त ना पसंद है। और इसी तकब्बुर की वजह से फिरौन गारत हो गया और आज तक हम सब मुसलमानों के लिए इबरत का निशान है वो। मत करो तकब्बुर। बेटा, मैंने तो तुम्हें खौफे खुदा सिखाया है। अच्छा बीबी, आपकी चाय। बड़े साहब कह रहे हैं मैं भी आ रहा हूं। आयशा, अस्वद तुमसे कुछ कहना चाहता है। I'm so sorry. जी, हाँ? आपको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। आज के दिन पे अगर हमने निराली जी को टेंपर ना किया ना, तो उनका टेंपर हम पे हाई हो जाएगा। शौकी, शौकी। तो मतलब अंतर ज्वालामुखी पक रहा है, फटने भी बहुत जल्दी वाला है। कल तक तुम लोग जिस निराली को जानते थे ना, उसको मैंने दफना दिया है। अब बिल्कुल नई नकोर निराली तुम्हारे सामने खड़ी है। स्टील की नजर और बीच की हार, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा।
ले लो, किताब ले लो। अब्बा जी ये नया स्टॉक किताब का है, खरीद लो आपने। नहीं बच्चे नहीं चाहिए। बाजी 150 की एक हेड, आपके लिए 100 लगा दूंगा, एक के और 2 150 की लगा दूंगा, 50 रुपए स्पेशल डिस्काउंट ऑनली फॉर यू। मुझे सारी दे दो। सारी? ये ना बाजी। ये लो। बाजी चेंज नहीं, 1 सेकंड में वो सामने दुकान है, वहां से 1 सेकंड में ले आएगा। कोई जरूरत नहीं है, जो पैसे बचे वो तुम अपने पास रख लेना। सारे? सारे। थैंक यू बाजी, शुक्रिया। ये स्पेशल गिफ्ट आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ये रखो। तुम पढ़ते हो? जी बाजी पढ़ते। जाओ। शुक्रिया भाई, बाय भाई। वैसे तुम्हें आयशा से माफी नहीं मांगनी चाहिए थी। तो क्या करता मैं? मामा को इस तरह नाराज कर देता? पता नहीं तायब और ताई अम्मी को उसकी इतनी फिकर क्यों है। उन्होंने तुम्हें उससे माफी मांगने के लिए क्यों कहा? आखिर क्या है ऐसा उस लड़की में, सबको उसकी इतनी फिकर है। माँ खराब करके रख दिया इसने। अच्छा नाम, अब तुम अपना मूड खराब नहीं करो, मत सोचो उसके बारे में इतना। सुनो चलो ना, हम कहीं आउटिंग पे चलते हैं, क्या कहते हो? अनुषा पहली बात तो ये मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, तो दूसरा मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। तुम प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दोगी? ठीक है, रहो अकेले। बीप, ये तो सारी कलरिंग बुक्स हैं। अब आप घर में बैठ के ड्राइंग करेंगे क्या? नहीं करो। मैं तो बस पूछ रही हूँ, इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? इतने में तो मेरा एक सूट आ जाता। आपको भी शौक हो गया फालतू खर्ची करने का? तुम्हारी और मेरी ये फजूल खर्ची ना, ये किसी के लिए रोजी रोटी है उसकी। सवेरे तुमने उस बच्चे की आंखों में चमक नहीं देखी थी ना? मैंने देखी थी, वो खुशी उसके चेहरे पे, वो आंखों में चमक। हम हजारों लाखों रुपए भी खर्च करके ना वो खुशी हासिल नहीं कर सकते। जब मैंने उससे वो सारी बुक्स मांगी ना, उसका चेहरा देखने वाला था, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। अच्छा, जब आपका मूड होता है तो आप जाके सारी चीजें खरीद लेती हैं अपनी मर्जी से, और अगर मैं सिग्नल पे किसी को 5-10 रुपए दे दूं फकीर को, तो कितना डांटती है मुझे, उसका क्या? किसी पेशेवर फकीर को पैसे देने से बेहतर है किसी मेहनत शर से ना कुछ खरीद लिया जाए। हर सिग्नल पे, हर कोने पे, हर नुक्कड़ पे तुम्हें हजारों की तादाद में तुम्हें ये फकीर दिखेंगे, जिसमें से कितने तो हट्टे कट्टे होते हैं, मेहनत मजदूरी कर सकते हैं वो, लेकिन नहीं, उनको इस चीज की लत लग गई है। अच्छा पापा, आप हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक है। गलत कब होती? लेकिन सूट तो मेरा फिर भी नहीं आया ना। ना खर्चा हो गया है तो एक सूट पे दिला दे। वही सुई वही अटकी हुई है बेबी। हाँ सर, मैंने उन्हें ईमेल कर दी है, होपफुली उनका एक दो दिन में रिप्लाई आ जाएगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी।
अब तुम ऑफिस के सब काम छोड़ो, तुम्हारी यास्मीन आंटी ने तुम्हें घर बुलाया है। सर वो मैं आज स्कूटी पे नहीं आई आज अपनी, तो आप यास्मीन आंटी को कह सकते हैं कि मैं कल आ जाऊंगी उनके पास। आज का मतलब आज, 3 बार मुझे वो फोन कर चुकी है कि आपने आयशा को अभी तक भेजा नहीं। मैं ड्राइवर से कहता हूँ वो तुम्हें छोड़ दे। ठीक है सर, लेकिन सब ठीक तो है ना? कोई काम था आंटी को मुझसे? हाँ, मुझे क्या पता कि क्या काम है, तुम जानो, तुम्हारी आंटी जान। सर मैं अभी जाऊं? हाँ ठीक है। कैसा लगा आपको सेटअप? बहुत ही प्यारा लग रहा है। असफद मैं तो समझी थी तुम इस बार अनुषे की बर्थडे भूल गए हो। सच्ची मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, उसकी बर्थडे भूलकर मुझे मरना नहीं है। अल्लाह ना करे, ऐसे नहीं कहते। क्यों, आप भूल गई? लास्ट उसकी बर्थडे पर मैं ऑफिस में बिजी था, सेलिब्रेट नहीं कर सका था। उस लड़की ने कितना हंगामा किया था, तभी तुम आज ऑफिस नहीं गए। क्योंकि ये काम जरूरी था। लेकिन ये अनुषे नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो सारी रात अपने दोस्तों से बातें करती रही है, अब उसको विश कर रही थी, वो तो उसी में बिजी रही। सुबह तो सोई है। सानिया, ये देख, अनुषे की सालगिरह का तोहफा। कैसे हैं इयररिंग्स? वाओ, अभी इतने खूबसूरत हैं। उसे पसंद आएंगे ना? बहुत पसंद आएंगे। ओह गॉड, मैं तो उसके लिए गिफ्ट लेना भूल ही गया। बेटा 2 दिन से तुम्हें याद दिला रही थी कि जाओ अनुषे का गिफ्ट ले आओ, तुम हो के बस क्या करें अब कोई। मामा एक काम करें, ये इयररिंग्स आप मुझे दे दें, मैं अपनी तरफ से अनुषे को दे दूंगा। जी नहीं, ये मैं लाई हूं और मैं ही दूंगी। तुम जाओ अपना तोहफा खुद खरीद कर लाओ और खुद दो उसे। अब मैं क्या करूंगा? करना क्या है, मार्केट खुली है, जाओ अनुषे की पसंद का तोहफा ले आओ, मैं और सानिया सब काम देख लेंगे। मामा लूंगा क्या, मुझे तो कुछ नहीं आता। ला, ये हमारा मसला थोड़ी है बेटे, ये तुम्हारा मसला है। क्यों सानिया? भाभी तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप आए ना, मैं आपको सेटअप दिखाती हूँ, तुम जाओ। क्या करूं? अनुषे से पूछ लेता हूँ ना। बैठो बेटा, नायला कैसी है? बिल्कुल ठीक है अम्मी, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी, जब से तुम मिली हो उससे भी ज्यादा अच्छी हो गई। शुक्रिया, जाओ चाय बनवा जाके। ये क्या आंटी? देखो कैसे हैं ये। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही मैंने अनुषे के लिए बनवाए हैं, उसकी सालगिरह का तोहफा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुश होगी देख के। हाँ ये तुम्हारे लिए है। क्यों आंटी, मेरी तो आज सालगिरह भी नहीं है। जानती हूँ तुम्हारी सालगिरह नहीं, लेकिन जब मैं ये खरीद रही थी अनुषे के लिए तो मेरा दिल चाह क्यों ना मैं आयशा के लिए भी एक जोड़ी ले लूं। तुम में मुझे अपनी बेटी नजर आती, अगर मेरी बेटी होती तो हूबहू तुम्हारे जैसी होती, इसलिए मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर ये तुम्हारे लिए तोहफा लिया है। माशाल्लाह ये तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत जचेंगे आयशा तुम पर। ये लो, ये तुम्हारा तोहफा। क्यों, मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, लेकिन ये मैं नहीं ले सकती। क्यों आयशा, क्यों नहीं ले सकती?
तुम मेरी बेटियों जैसी हो। क्या मैं तुम्हें तुम्हारी माँ जैसी नहीं लगती? ऐसी बात नहीं, आप तो मेरी माँ जैसी ही हैं। लेकिन ये बहुत कीमती है, मैं नहीं रख सकती ये। तुमसे ज्यादा कीमती नहीं है, शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं। तुम मेरे लिए इससे कहीं ज्यादा कीमती हो। भाभी, मैंने सुरैया को खाने का मेन्यू बता दिया है, प्लीज आप देख लेंगे। बाकी अनुषा ने अपनी फ्रेंड्स को भी बुला लिया, ये ना कोई गड़बड़ हो जाए। तुम बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा, मैं सब देख लूंगी। ये इयररिंग्स तो भाभी ने अनुषा को दिए, ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रही है? उस दिन तुमने अनुषा की अंगूठी पहन ली थी और आज ये इयररिंग्स तुम्हारे हाथ में। तुम्हें क्या दूसरों की चीजों पे नजर रखने का शौक है? सानिया, ऐसी बात नहीं है। ये इयररिंग्स आयशा के लिए बनवाया है मैंने, अनुषा के अलमारी में रखे। क्या मतलब? अनुषा, अनुषा मेरी बात सुनो। अनुषा, अब ऐसे क्या देख रही हो? कह तो रहा हूं कि भूल गया था, और सच कहूं तो अगर तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने चला जाता तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे लिए लूं क्या। तो प्लीज तुम मेरे साथ चलो। ये क्या बात हुई अस्मत, अपना गिफ्ट लेने भी मैं तुम्हारे साथ जाऊं? ये तो कोई सरप्राइज ना हुआ ना? ना तो क्या हुआ यार। अच्छा है ना, तुम्हें जो पसंद होगा तुम वो ले लेना, मैं दिला दूंगा। सोच लो, जो भी कहूंगी ले दोगे ना, भले जितना भी एक्सपेंसिव हो। जी मैडम, जिस पे हाथ रखेंगे वो चीज आपकी हो जाएगी। आयला से कहना कि मैं बहुत नाराज हूँ उससे, इतने दिन हो चुके वो हमारे घर आई ही नहीं, दिल उदास हो रहा है मेरा। सुबह से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही मेरा। दरअसल नाजिया चाची अपने भाई से मिलने के लिए घर गई है, सारे काम की जिम्मेदारी ना मम्मी पे आएगी। अब चले? हाँ रुको, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। असवर। जी मामा। बेटा तुम लोग कहीं जा रहे हो? वो मैं और अनुषा जरा बाहर जा रहे थे। अच्छा ऐसा करो कि जाते हुए आयशा को उसके घर ड्रॉप कर दो। आइए, स्कूटी नहीं लाई अपनी। मगर मामा मैं और आयशा। बेटे जाओ, जाकर गाड़ी में बैठो तुम। चलो शाबाश। असफत, हर काम में अगर मगर नहीं करते, बुरी बात है। आशा को जाते हुए ड्रॉप करके जाओ। अब्बा सुन ले सदा।